बहुत मुबारक हो आपको, आपने अपने दुनिया आपका काम अच्छी कर तल्लिक है। और पीएसजी ग्रुप, पार्क स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज और पार्क सिटी, इसका मैं मालिक हूं। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा अभी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पर इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। ये तरीकाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुजुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी अगर कोई दीगर मजाहब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे, तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं तो उसके लिए है। दूसरा हमारा ये था कि जब कोई अदर कंट्री के अंदर जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए घर का होता है, उसकी रिहाइश का होता है, तो चूंकि हमारा पार्क सिटी जो है एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमने ये समझा कि हम उसके अंदर इनको अकोमोडेट कर सकें, तो हमने एक छोटी सी काविश है, हमारी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल है कि हमने 10 मरला का एक ऑल ड्यूज क्लियर ADC प्लॉट, इनके नाम का इनका डाटा सारा गूगल से हमने लिया, इनके नाम का बना के, तो वो आज हमने इनको यहाँ पे आके दिया। बाकी छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं, एक चेक है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इनके साथ जितना हेल्प कर सकें ताकि उनको यह एहसास ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कोई मुश्किलात हैं, बल्कि इस पाकिस्तान को अपना घर समझें, इस खित्ते को अपना घर समझें, तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, इसके लिए हमें यहाँ पे आना हुआ। मैं बिल्कुल ये, मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास और इदराक हुआ है कि जो नसरुल्ला और उनकी फैमिली है ये बहुत मुखलिस और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन माली लिहाज से इनको यहाँ पे एक तो यह है कि अदर सोसाइटीज अदर इदारों को इनको बैकअप करना चाहिए, और बिलखसूस जो ये बेचारे थोड़ा सा खौफ और हरास का शिकार भी हैं कि इनको स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमती, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होंगे, इदारों के ऊपर भी होंगे, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के अंदर जब कोई दाखिल हो जाए तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलिन तरजीह होती है, तो लिहाजा हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे